नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ डोर्स के बारे में, कैसे आप डोर को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डोर्स के लिए आपको जाना है क्रिएट ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे मिलेगा आपको डोर्स। आप डोर्स पे क्लिक करें। आपकी 3ds Max में 3 टाइप्स के डोर्स हैं जो आप बना सकते हो। फर्स्ट है पाइवेट डोर, सेकंड है स्लाइडिंग डोर, थर्ड है बाईफोल्ड डोर। 3 टाइप्स के डोर्स को आप बना सकते हो यहाँ पे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पाइवेट डोर पे क्लिक करते हैं और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पाइवेट डोर की। सबसे पहले है यहाँ पे कि क्रिएशन मेथड, कि आप कैसे डोर को बनाना चाहते हो। तो इसमें आता है सबसे पहले विड्थ, डेप्थ एंड हाइट। इसका क्या मतलब है? जब आप डोर को क्रिएट करोगे तो आप यहाँ पर क्लिक करें, सबसे पहले आप उसकी विड्थ प्रोवाइड करें, यह होगी विड्थ। उसके बाद क्लिक को छोड़ दें, फिर आप इसकी डेप्थ प्रोवाइड करें, फिर आप क्लिक करें और फिर इसकी आप हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले आपको करना है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सबसे पहले करना है, मान लो मैं दोबारा प्राइवेट डोर लिया, सबसे पहले तो आपको प्रोवाइड करनी है विड्थ, फिर प्रोवाइड करनी है डेप्थ और फिर प्रोवाइड करनी है हाइट। तो आपका ऐसे डोर बन जाएगा। अब डोर बनाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने के लिए आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करें या वन प्रेस करें, आप प्रॉपर्टी पे यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे आता है सबसे पहले कि आपको कितनी हाइट इसकी प्रोवाइड करनी है। आप इसकी हाइट अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जितनी भी आपको हाइट चाहिए यहाँ पे। उसके बाद विड्थ, आप इसकी विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, कितनी आपको विड्थ चाहिए। और उसके बाद डेप्थ, आप इसकी डेप्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में नेक्स्ट आता है कि आपको ये डबल डोर बनाना है, तो आप इस पर क्लिक करें तो ये डबल डोर बन जाएगा। सिंगल रखना है आप सिंगल रख सकते हैं। अगर मैं इस डोर को ओपन करूँ तो आपका ऐसे डोर आपका ओपन हो जाएगा, ये डोर आपका यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा अगर आप इसे ओपन करते हैं। क्लियर है? ये इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं, अगर सभी को मैं एक ही बारी में देखना चाहता हूँ तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करें तो आपकी कंप्लीट प्रॉपर्टी एक ही उसमें आपको नज़र आएगी, यहाँ पे और यहाँ पे। आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे को अब डबल डोर करना है, आप डबल डोर कर सकते हो, तो वो इस टाइप में आपका डोर ओपन होगा। अगर मेरे को फ्लिप स्विंग फ्लिप करनी है कि मैं इधर की तरफ खोलना चाहता हूँ, तो आप फ्लिप स्विंग कर सकते हैं, डोर आपका इधर की साइड ओपन हो जाएगा इस टाइप में। और अगर आप चाहते हो सिंगल डोर हो बट इधर की साइड लगे, तो आप फ्लिप कर सकते हो इसकी हिंज को, आपकी हिंज इस साइड फ्लिप हो जाएंगी। स्विंग फ्लिप करनी है, स्विंग फ्लिप कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने एक डोर को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है कुछ इसकी प्रॉपर्टी। अगर मैंने ये डोर यहाँ पर ओपन किया है, इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है फ्रेम। अगर मैं फ्रेम की यहाँ पे बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि फ्रेम ना हो, तो आप क्रिएट फ्रेम को हटा सकते हो, या फ्रेम आपका यहाँ पे शो नहीं होगा। फ्रेम चाहिए तो फ्रेम को रख सकते हो। अब इसकी फ्रेम की विड्थ को आप इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से, जितनी आपको विड्थ चाहिए। फ्रेम की डेप्थ को इंक्रीज़ कर सकते हो, कितना फ्रेम की डेप्थ चाहिए, आप यहाँ पर चेंजेस देख रहे हो। डोर का ऑफसेट आप डाल सकते हो। डोर का ऑफसेट का मतलब है, अभी जो डोर लगा हुआ आपका वो आपके इस साइड लगा हुआ है, अगर मैं डोर का ऑफसेट करता हूँ तो वो सेंटर में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे अच्छे से दिखाऊं, अगर मैं टॉप में जाता हूँ और अगर मैं अब सेलेक्ट करके डोर का ऑफसेट दिखाता हूँ, तो वो डोर आपका आएगा कि आपको सेंटर में चाहिए या एज पे चाहिए। ऐसे करके आप डोर को यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? ये थी फ्रेम की प्रॉपर्टी। अब आती है लीफ की पैरामीटर्स। जो ये आपका लीफ है, जो आपका डोर है, इसके पैरामीटर, जो ये वाला डोर है, इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, आप यहाँ से इसकी थिकनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जितनी आपको थिकनेस चाहिए डोर की। उसके बाद आपका आता है ये कुछ फ्रेमिंग, टॉप रेल टाइप में जो ये पैनल्स बने हुए हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, जो आपको चाहिए 4 mm चाहिए, कितना चाहिए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक चाहिए। बॉटम रेल होता है ये वाला, जो ये वाली है आपकी बॉटम रेल को, आप उसे ऊपर या नीचे कर सकते हो। फ्रेम को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद पैनल हॉरिजॉन्टल, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पैनल इंक्रीज़ करता हूँ तो हॉरिजॉन्टली पैनल आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, 2 पैनल हो जाएंगे हॉरिजॉन्टली, 3 करोगे 3 पैनल हो जाएंगे हॉरिजॉन्टली। क्लियर है?
अगर आपको वर्टिकली भी पैनल इंक्रीज करने हैं तो आप वर्टिकली भी आपके पैनल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद है आपका मुंटिन। क्या होता है कि आप इसे इंक्रीज करोगे तो जो ये पैनल बीच में हुए हैं इसकी थिकनेस को, विड्थ को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका पैनल। अगर आपको ये पैनल नहीं चाहिए तो आप नन कर सकते हैं। अगर आपको ग्लास वाले चाहिए तो आप ग्लास वाले पैनल रख सकते हैं। ग्लास वाले पैनल ये तब बनेंगे, ग्लास का आपको मटेरियल इस पर अप्लाई करना होगा तभी आपके ग्लास के पैनल बन सकते हैं। इस ग्लास की थिकनेस कितनी चाहिए वो आप थिकनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये वाली थिकनेस है, ये आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं आपको टॉप व्यू में जाके दिखाता हूँ तो जो इसके बीच में पैनल्स लगे हुए हैं, ये जो पैनल है अगर मैं इसकी चेंज करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप, ये तो ये थिकनेस को आप देखो, ये बीच में जो ग्लास लगता है इस ग्लास की प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ताकि बाद में आप इसे मटेरियल प्रोवाइड कर पाए। उसके बाद है बेविल्ड। अगर आपको बेविल्ड चाहिए तो आप बेविल्ड पे क्लिक करेंगे तो इसकी भी फ्रेमिंग आपके यहाँ पे आ जाएगी। अब इस फ्रेमिंग की प्रॉपर्टी है, बेविल का एंगल आपको क्या चाहिए, बेविल की थिकनेस आपको कितनी चाहिए, थिकनेस 2 आपको कितनी चाहिए, उसके बाद मिडल ट्रैक आपको कैसे चाहिए, उसके बाद विड्थ 1 आपको कितनी चाहिए, उसके बाद विड्थ 2 आपको कितनी चाहिए, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये है आपका जो पाइवेट डोर है इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को आप कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं दूसरे टाइप के डोर की। सेकंड टाइप पे आपका डोर है स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर पे क्लिक करें और यहाँ से आप पहले विड्थ बनाएं, फिर थिकनेस दें और फिर आप हाइट प्रोवाइड करें। और उसके बाद है आपका बाईफोल्ड डोर, उसके लिए भी पहले आप विड्थ बनाएं, फिर थिकनेस दें और फिर हाइट दें बाईफोल्ड। अगर इसकी प्रॉपर्टी पे अगर मैं जाता हूँ, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ तो ये कुछ स्लाइड करके ओपन होगा। इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से हाइट इंक्रीज कर सकते हो, विड्थ कर सकते हो, डेप्थ इंक्रीज कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो फ्रंट बैक को। अभी जो आपका पैनल डोर लगा है जो स्लाइड हो रहा है वो फ्रंट वाला हो रहा है, फ्लिप कर सकते हैं फ्रंट बैक को तो वो स्लाइडिंग वाला डोर आपके पीछे की तरफ चला जाएगा यहाँ पे। अगर मैं आपकी साइड को फ्लिप करना चाहूँ तो आप साइड को भी फ्लिप कर सकते हो, यहाँ से वही साइड से फ्लिप होके होगा। और फिर वही सेम प्रॉपर्टी, आप इसकी फ्रेम की प्रॉपर्टी, लीफ की प्रॉपर्टी एंड पैनल की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। और जो बाईफोल्ड डोर है अगर मैं उसे ओपन करता हूँ तो कुछ ऐसे फोल्डिंग में ओपन होगा। इसकी हाइट विड्थ डेप्थ को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको हिंज फ्लिप करना है तो उस साइड फ्लिप हो जाएगा। अगर आपको स्विंग फ्लिप करना है तो आप स्विंग को फ्लिप कर सकते हैं। और अगर आपको ये डबल डोर बनाना है तो आप ये डबल डोर बना सकते हैं ताकि आपका इस टाइप का डोर बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेम प्रॉपर्टी, फ्रेम की प्रॉपर्टी, लीफ की प्रॉपर्टी, पैनल्स वगैरह आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ग्लास नन जो पैनल्स की प्रॉपर्टी रहती है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप में आप अपने डोर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आपका डोर। आशा करता हूँ आपको डोर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.